दोस्ती, सेक्स, शादी और धोखा। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दो बच्चों के बाप ने फेसबुक पर छात्रा से दोस्ती कर उसके साथ रेप किया, फिर उसने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली। जब छात्रा ने उसके घर जाने की जिद की तो खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं। फेसबुक पर दोस्ती करके और शादी का झांसा देकर उससे होटल में जाकर शादी रचाई और शादी रचा के और उससे अपने घर पहुंचा दिया और वो खुद से अपने घर गया और उसके साथ में कई बार दुष्कर्म किया और अपनी पहचान छुपा के रखी कि वो स्वयं शादीशुदा था। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक वर्ल्ड। टेक वर्ल्ड में आपका स्वागत है, मैं दीपक चतुर्वेदी। अच्छा यार, प्यार इश्क धोखा, इसकी एक नई सीरीज में कॉले में एक केस नजर आया है। खास तौर से मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जो बच्चे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ऐसी इतनी सारी साइटें हैं जो सोशल साइटें हैं जिसमें फ्रेंडशिप भी होती है, फ्रेंडशिप के बाद बच्चे आगे ही बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ सोशल साइटें हैं जो आपके मनोरंजन के लिए है और इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं भी सीरियसनेस नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ना तो आपका 100% श्योर सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं वो श्योर सही है, ये आप लोग नहीं कह सकते हैं, कोई नहीं कह सकता है। ऐसा ही एक केस सामने आया है जो ग्वालियर में हुआ। ग्वालियर में चालू हुई सोशल साइट से, फेसबुक से हमारी मुलाकात हुई। मुलाकात बोलो तो हाय हेलो इस तरह का हुआ। उसके बाद बातें बढ़ी, बातें बढ़ने के बाद और बातें होती गई, हार्डली टच होते गए। वो तो आपको पता ही है, हार्डली टच हो जाते हैं, फिर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, है ना। इसके बाद हम और आगे बने, फिर हम मिलने गए, राइट। हम मिले, काफ़ी सेफ था, पब्लिक में मिले। ऐसे ही मिलते मिलते हम रेस्टोरेंट में मिले, फिर उस लड़के ने एक इच्छा जाहिर की, क्या हम पर्सनल मिल सकते हैं। उस लड़की ने विश्वास किया उस लड़के के ऊपर, क्योंकि काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। उस लड़के के ऊपर विश्वास किया, पर्सनल मिले और फिर प्यार इश्क धोखा, धोखे की स्टार्टिंग है ना। प्यार तो हो गया, दोस्ती भी हो गई और इसके बीच में एक रेप वर्ड जो है वो भी आता है। रेप वर्ड में ये लोग पर्सनल मिले, पर्सनल मिलने के बाद धीरे धीरे नज़दीक आते गए और एक बार नहीं कई बार रेप किया। कॉले की बात है ये। फिर लड़की ने लड़के के ऊपर दबाव बनाया, दबाव बनाने के बाद लड़के ने आर्य समाज में शादी कर ली और फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। अभी बाकी है भाइयों, टेंशन मत लेना, अभी बहुत कुछ है ना। उसके बाद फिर आगे बढ़े, वो लड़की टेंशन में थी कि शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक मैं घर क्यों नहीं गई हूँ, ये मुझे घर क्यों नहीं ले गए। उसने इस बात का ही दबाव बनाया। फिर लड़के ने गलती से या दबाव में आके उसने एड्रेस दे दिया। लड़की वहाँ पहुँची तब पता चला सच्चाई क्या थी। सच्चाई ये थी कि वो लड़का ऑलरेडी शादीशुदा था। शादीशुदा तो बहुत बड़ी बात है, उसके अलावा उसके दो बच्चे भी थे, है ना। मैं आपको सिर्फ ये न्यूज़ बता रहा हूँ सिर्फ इसीलिए कि सोशल साइट में हम इस तरह का कोई भी काम ना करें। हाँ, टाइम पास करने के हाय हेलो आप कर सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, लेकिन सीरियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंसाने वाला कहीं भी फंसा सकता है, है ना। इसके बाद जब लड़की वहाँ पहुँची उसके घर में और उसको पता चला इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसकी बीवी भी है, दो बच्चे भी हैं, तो इसने अपना टुकड़ा, अपनी जो सच्चाई थी वो बताई, तो उन्होंने किसी ने विश्वास नहीं किया, जबकि लड़की को मारा गया, पीटा गया और उसको भगा दिया गया। भगाने के बाद जब वो थाने पहुंची और उसने लिखवाई सारी शिकायत जो चीज़ उसके साथ हुई है, उसके बाद उस लड़की को पकड़ लिया गया और है ना। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल साइटें हैं, व्हाट्सएप हो गया, तो प्लीज़ आप लोग सीरियस मत होइएगा, सिर्फ दोस्ती करें, हाय हेलो करें, कैसे हो क्या हो वो करें, लेकिन हार्डली टच नहीं होएगा।
थैंक यू। और हाँ यार, ऐसे कंटेंट, ऐसी न्यूज़, ऐसी चीज़ें मैं लाता रहता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा दें, क्योंकि दोस्ती, सेक्स, शादी और धोखा, ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दो बच्चों के बाप ने फेसबुक पर छात्रा से दोस्ती कर उसके साथ रेप किया, फिर उसने आर्य समाज मंदिर में शादी भी कर ली। जब छात्रा ने उसके घर जाने की जिद की तो खुलासा हुआ कि उसकी पत्नी और दो बच्चे हैं। फेसबुक पर दोस्ती करके और शादी का झांसा देकर उससे होटल में जाकर शादी रचाई और शादी रचा के और उससे अपने घर पहुंचा दिया और वो खुद से अपने घर गया और उसके साथ में कई बार दुष्कर्म किया और अपनी पहचान छुपा के रखी कि वो स्वयं शादीशुदा था।